ये मेरे होम टाउन के नियर में एक कनाल है, तो एक जस्ट लाइक ए लिटिल डैम, आप देख ही सकते हो कितनी खूबसूरती से पानी नीचे जा रहा है, और वाकई में बड़ा अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को देख के। ट्रैवलर्स क्या करते हैं कि आपको टूरिस्ट स्पॉट्स पे ले जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस दिखाते हैं, बट आई एम द पर्सन, आई एम द वन हु वांट टू गो देयर, देयर आर नो टूरिस्ट। मतलब मैं ऐसी जगह मेरा, मतलब ये मेरा यूएसपी है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस को वो प्लेसेस दिखाऊं जो मतलब टूरिस्टिक नहीं है, बट वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, नेचुरल हैं, और मतलब बहुत ही वाइल्ड लाइफ मतलब आपको देखने को मिलेगी। शायद आपको भी महसूस होता होगा, बट मुझे हो सकता है कि मुझे ही लग रहा है कि कभी कभी हम कभी किसी होली चीज के पास जाते हैं या किसी, तो अच्छी अच्छी वाइब्स आने लगती हैं, तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि हाँ एक अच्छी वाइब्स सामने से गुजर रही है, और मतलब सारा कुछ मतलब कितना नेचुरल है, कितना अच्छा होता कि हम ये चीज़ों का पालन करें, कूड़ा कचरा ना फैलाएं, और इसके अलावा साफ सुथरा रखने अपनी जगह को, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो ये एक प्राचीन मंदिर है जिसके दर्शन हम आपको कराने वाले हैं और हम भी जाने वाले हैं। देखते हैं पहले कि कैमराज या ऑल द थिंग्स अलाउड है। एक टेंपल है महादेव जी का,
तो काफ़ी मतलब अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये नियर बाय गंगा घाट के। तो यहाँ सुबह शाम आरती भी होती है। तो एक्चुअली अभी हम आपको अंदर से तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं वो लेना नहीं चाहता, कोविड आपको मालूम है कि अथॉरिटीज़ ने बंद कर रखा है, बट आपके लिए टाइम निकाल के मैं आया। तो मैं बाकी आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा। घाट तो न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है, आप देख भी सकते हो, मतलब बहुत ही प्यारा लोकेशन है यार, गजब। मतलब बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। और मौसम ऊपर से मतलब सोने पे सुहागा। बहुत ही गजब यार, क्या बताऊं मैं आपको। मतलब एक शब्द होता है तो वो मेरे पास शब्द नहीं आ रहा है, मतलब उससे भी परे जो खूबसूरती है। आप देख भी पा रहे हो जैसा कि पानी में बाढ़ आई हुई है। एक्चुअली नॉर्मली जब यहाँ पानी उतना नहीं होता है तो लोग यहाँ पे स्नान भी करते हैं, बट ये कुछ ऐसे टाइम है कि मतलब ठीक है, मतलब हमारा मतलब बाकी कोशिश करते हैं कि जय गंगे मैया। दानगढ़, दानगढ़ जाए। अच्छा, दानगढ़ घूमने से यहाँ से? हाँ, मैं उनका भतीजा हूँ। अच्छा, हमारे बाबा हैं। तेरे तो बाबा हैं ही, तेरे सारे हम तो चचा ना। किसी काम नहीं है वो, काम नहीं है। हाँ, अरे खेती कर रहे हैं यार, उनने खेती छोड़ी कहाँ है, खेती कर रहे हैं, खेती चालू कर रहे हो। और आप देख ही पा रहे हो ऊपर, मतलब जो इसका सोर्स है ये गंगोत्री है। और जैसा कि हम ऑलरेडी न्यूज़ में सुन रहे हैं डेली बेसिस पे कि यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, कहीं पे बादल फट रहा है, तो उस वजह से पानी का प्रवाह बढ़ चुका है। तो लोकल अथॉरिटीज़ ने मना किया हुआ कि पीपल्स यू शुड नॉट गो देयर, कि मतलब जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, सो बाकी देख ही सकते हैं कि दैट इज़ द रीज़न। और मेरा मानना भी यही है कि हमें इस पे कुछ वर्कआउट करना चाहिए। वैसे नेचुरल क्लाइमेटी है, दैट इज़ ओके फाइन, बट जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली क्या होता है कि इसी सीज़न में मोस्टली हमारे दो प्यारे स्टेट्स हैं असम और बिहार, तो इसी के प्रवाह के कारण जलमग्न हो जाते हैं। गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग समथिंग दैट शुड बी डन बाय हिम, बट चलिए देखते हैं। बाकी आप बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको। बहुत ही बैड लक है अपना, कि नहीं बैड लक तो नहीं बोलेंगे, देखिए यहाँ आना भी एक बहुत अच्छी मतलब अच्छी वाइब्स ही होती है, बट होपफुली कोशिश करते अगर आपको बोटिंग कर पाते, बट प्रवाह इतना ज़्यादा है और ऊपर से क्राइसिस के बारे में तो आपको मालूम ही है। बाकी कंस्ट्रक्शंस का वर्क्स तो चल ही रहा है, आप देख ही पा रहे हो, वर्कर्स लगे हुए हैं और इसके ब्यूटिफिकेशन में वर्क कर रहे हैं। सो एवरी मेंबर्स इज काउंट एज वी ऑलरेडी नो दैट। तो देखते हैं कहाँ तक, शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें कुछ और खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर देखने को मिले। आप देख ही सकते हो कि रास्ते में ये बीच में बड़े बड़े पेड़, भारी वर्षा के कारण बड़े बड़े पेड़ तैर कर आ रहे हैं, तो दैट वॉज अ रीज़न कि मतलब थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, तो इस वजह से काफ़ी बार परमिशन नहीं मिल पाती है, बट we had to manage, so we manage it. खतरनाक इवेंट हुआ। गाड़ी का यूज़ मत कर, क्या कर यार, व्यू बहुत अच्छा है कसम भाई, ऐसा व्यू आ रहा है कभी खतरनाक। जवाब नहीं हो रहा, 360 से बोले एक बार।
घाट पर आ चुके हैं और जैसा कि आप सभी को मालूम है रेनी सीज़न है, नदियों में बाढ़ आ रही है और पानी का जल स्तर आप देख ही सकते हो। एक्चुअली इस जगह का नाम कर्णवास है। स्टोरी क्या है इसकी, मतलब पता आपको, स्टोरी पता है इसकी? जी ये नमामि गंगे के नाम से घाट है सामने। नहीं नहीं, महाभारत में जो कर्ण होता है उससे क्या स्टोरी है इसकी रिलेटेड, उसके बारे में कुछ पता है आपको? नहीं नहीं, उसका क्योंकि इस प्लेस का जो नाम है वो कर्णवास है, यानी कि इसकी जो स्टोरी है वो महाभारत टाइम में जो कर्ण थे, जो विराट सम्राट कर्ण थे, वो कुछ मान्यता है, आई एम नॉट श्योर, तो मुझे फैक्ट्स नहीं पता है, मैं बहुत क्लियर हूँ इस बारे में। मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि एक्चुअली वो शायद वो यहाँ आए थे और कुछ प्रोसेस हुआ था तो उसके